हर वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत मनाया जाता है। तो दोस्तों, हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और यह जो दिवस है वह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के तहत मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी को बताता हूँ कि यह कब से मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, इसका उद्देश्य क्या है और थीम क्या है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर से जरूर देखिए। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसके बारे में पूरी जानकारी को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत 7 अप्रैल 1950 से हुआ। तो दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने की जो शुरुआत हुई वह 7 अप्रैल 1950 से हुआ, लेकिन इसको मनाने से पहले, इससे पहले 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई, जिसकी पहली विश्व स्वास्थ्य सभा में हर साल 7 अप्रैल से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का फैसला लिया गया। तो यहाँ पर मनाने से पहले 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, और WHO की पहली विश्व स्वास्थ्य सभा में यह निर्णय लिया गया कि 7 अप्रैल से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा। तो ऐसा फैसला लिया गया WHO की ओर से जब इसकी पहली सभा बैठाया गया था या सभा हुई थी। तो 7 अप्रैल को स्थापना दिवस होने के कारण ही 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि WHO की जो स्थापना दिवस है वह है 7 अप्रैल यानी 7th अप्रैल। तो इसी कारण से 7th अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। यह दिवस WHO के तहत मनाया जाता है, इसी कारण WHO के मुख्य उद्देश्य की तरह इस दिवस का भी उद्देश्य। दोस्तों, अब अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो WHO के तहत में मनाया जाता है, तो WHO का जो भी उद्देश्य है, जो भी मोटो है, उसी के तहत यह दिवस जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस, उसको भी इसी उद्देश्य से मनाया जाता है। तो उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य अच्छा हो और रोगग्रस्त होने पर अच्छे इलाज की सुविधा मिले, एवं लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊँचा उठाना है और समाज के लोगों को बीमारी और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। तो दोस्तों, ये जो उद्देश्य है, ये जो यहाँ पर वह दुनिया भर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो और अगर किसी प्रकार का भी रोग होता है तो उसका जो इलाज है वह बहुत अच्छे तरीके से मिले, उसको अच्छे इलाज की सुविधा मिले, ये इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ लोगों का जो भी स्वास्थ्य स्तर है यानी कि हेल्थ का जो लेवल है उसको और ऊपर ऊँचा उठाया जाए, किस प्रकार से उसको ऊँचा उठाने के लिए यहाँ पर इसी उद्देश्य में आता है। और समाज में जो लोग हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे मानव जाति हैं, उनका बीमारी और स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक बनाना है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको बीमारी के बारे में और साथ ही साथ में कैसे हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जाए, उसको जागरूक कैसे बनाना है, किस प्रकार से, इन सारी चीज़ों को लेकर के ही इसका उद्देश्य है। तो ये WHO का उद्देश्य है, तो साथ ही साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस का भी उद्देश्य है। हम में से बहुत कोई जानते हैं कि अभी इस दुनिया में बहुत प्रकार के रोग हैं, जैसे कि TB, मलेरिया, पोलियो, एनीमिया, एड्स, ऐसे ऐसे बीमारी हैं। तो इनके बारे में लोगों को भी बताना है, समझाना है, और अपना जो स्वास्थ्य है उसको भी किस प्रकार से बनाए रखना है, ये सब सारी जानकारियों को हम लोगों को जानना है और लोगों को भी बताना है। तो WHO के द्वारा ही, अगर आप लोग बहुत कुछ जानते भी होंगे, तो WHO के द्वारा ही विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड TB डे, विश्व एड्स दिवस, इस प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं, बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं। तो ये सब जो है WHO के द्वारा मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वह भी 7 अप्रैल को ही WHO के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं थीम के बारे में, जो कि हर साल थीम के साथ मनाया जाता है। तो इस वर्ष का जो थीम है यानी कि 2022 का जो थीम है वह है आवर प्लानेट आवर हेल्थ, यानी कि हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यह इस वर्ष का थीम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आवर प्लानेट आवर हेल्थ, ये आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। अगर हम बात करें पिछले साल की यानी कि 2021 वाले थीम की, तो उसका जो थीम था हुआ था बिल्डिंग ए फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। यह था पिछले वर्ष का थीम, इंग्लिश में बिल्डिंग ए फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। इसको अगर हम लोग हिंदी में कहेंगे तो वह है सभी के लिए एक बेहतर और स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण, यह हिंदी में कहेंगे। तो 2021 और 2022 वाले जो थीम है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, स्वास्थ्य के प्रति हमें
अपने में और दूसरों में भी जागरूक फैलाना चाहिए और संगठनों के साथ साथ सरकारों को भी अच्छा और उचित कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हमें अपने आप में और साथ साथ दूसरों में भी जागरूकता फैलाना है स्वास्थ्य के बारे में, रोगों के बारे में, और जितने भी संगठन हैं विश्व में और विश्व के जितने भी देशों की सरकार हैं उनको भी चाहिए कि एक अच्छा कदम उठाया जाए स्वास्थ्य के प्रति, लोगों को स्वास्थ्य बनाने के प्रति। तो ये सरकारों को भी इस प्रकार के कदम उठाना चाहिए। तो हमें अपने में और दूसरों में भी इस प्रकार की जागरूकता फैलाना ही चाहिए। तो दोस्तों यह था विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल के बारे में। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दें, जो थीम है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। दोस्तों यहाँ पे WHO के बारे में चर्चा हुई है, तो WHO के बारे में थोड़ी सी जानकारी को देख ही लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषांगिक यानी कि स्पेशलाइज्ड इकाई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, वह UNO का एक आनुषांगिक यानी स्पेशलाइज्ड यूनिट है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। तो WHO की जो स्थापना हुई थी वह 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, और यह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो WHO का जो मुख्यालय है वह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना कि जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO का जो उद्देश्य है वो मैंने आप लोगों को पिछले ही थोड़ा देर पहले बता दिया, तो वही इसका भी उद्देश्य है WHO का भी, और इसका जो मुख्यालय वो तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसका जो हेड कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इसका जो डायरेक्टर जनरल है यानी कि जो हेड है उनका नाम है टेड्रोस अधानोम। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, टेड्रोस अधानोम, जो कि 2017 यानी कि 2017 से यहाँ पे डायरेक्टर जनरल बने हुए हैं WHO के। और ये जो है टेड्रोस अधानोम, ये इरिट्रिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है उन्हीं वहीं के रहने वाले हैं या वहीं से ये बिलोंग करते हैं। तो इरिट्रिया एक अफ्रीकन कंट्री से ये टेड्रोस अधानोम बिलोंग करते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को 7 अप्रैल यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में बता दिया, कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, साथ ही साथ में WHO के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दी। तो अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।